इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटेनर के बे प्लान के बारे में, जो कि बे, रो और टेयर होता है। तो बे प्लान क्या होता है? बे प्लान बेसिकली होता है कि किसी भी कंटेनर के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बे प्लान होता है। बे प्लान जो है वो कंसिस्ट करता है 6 डिजिट का, जिसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो बे को डिनोट करते हैं, जो मिडिल के 2 डिजिट होते हैं वो रो दिखाते हैं, और जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो टीयर बताते हैं। तो बे नंबर जो होता है वो मार्क्ड होता है फ्रॉम द फॉरवर्ड टू द आफ्ट। फॉरवर्ड में मार्किंग जो होती है वो लाइक 01 अप टू 02, 03 अप टू द लेंथ ऑफ द वेसल्स। और जो बे प्लान बे नंबर जो होता है, अगर वो 20 फुट के कंटेनर्स हैं तो वो ऑड नंबर से मार्क होंगे, लाइक 1, 3, 5, 7। और अगर वो 40 फुट के कंटेनर्स हैं तो वो इवन नंबर से मार्क होंगे, लाइक 2, 4, 6, 8। उसके बाद आता है रो। रो जो होता है वो मार्क्ड होता है अर्थवर्ड शिफ्ट डायरेक्शन में। जो सेंटर लाइन पे जो भी कंटेनर्स रखे होते हैं उनके लिए जो 00 मार्किंग होती है, और सेंटर लाइन से पोर्ट साइड के लिए जो मार्किंग होती है वो इवन नंबर में होती है, लाइक 02, देन 04, देन 06। और सेंटर लाइन से लेकर के स्टारबोर्ड साइड में जो मार्किंग होती है वो ऑड नंबर में होती है, लाइक 01, 03, 05। इसके बाद आता है टीयर। टीयर जो होता है फ्रॉम द बॉटम टू अप टू द टॉप मार्किंग होती है बॉटम में, और ये जो टीयर है वो हमेशा इवन नंबर से इवन नंबर में मार्क होता है, लाइक 02, 04, 06, 08, लाइक दिस। एंड जो अपर डेक होता है, डेक के लेवल से ऊपर की जो टीयर्स होते हैं उनका मार्किंग होता है 82, 84, ऐसे करके मार्किंग होती है। सो वही लिखा है कि बे नंबर इज मार्क फ्रॉम द फॉरवर्ड टू आफ्ट, लाइक 01 एट द बोर्ड टू द 40 एट द स्टर्न, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वेसल। इफ ऑड नंबर इज फॉर 20 फुट कंटेनर्स एंड इवन नंबर इज फॉर 40 फुट कंटेनर्स। सेकेंड इज रो इज मार्क ऑन अर्थवर्ड शिफ्ट डायरेक्शन, लाइक 00 मीन्स सेंटर लाइन, इवन नंबर फ्रॉम द सेंटर लाइन टूवर्ड द पोर्ट साइड, लाइक 02, 04, ऑड नंबर फ्रॉम द सेंटर लाइन टूवर्ड द स्टारबोर्ड साइड, लाइक 01, 03, 05। एंड टीयर इज मार्क फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इफ इवन नंबर इज यूज फॉर द मार्किंग द टीयर, एंड अबव डेक टीयर नंबर स्टार्ट विद 82, 84, 86, लाइक दिस।